Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री श्री राधा नील माधव की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। मैं कन्नड़ में बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आशा करते हैं कि आप सब हिंदी समझ लेते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में, जो कि पहली बार धारवाड़ में आयोजित किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में आप सब ने अवश्य सुना होगा, बहुत प्राचीन उत्सव है, हजारों सालों से प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि पर ये जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है और लाखों की संख्या में लोग उस उत्सव में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण है, अपने बड़े भाई बलराम और अपने छोटी बहन सुभद्रा देवी के साथ में वो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन देते हैं और साल में एक बार जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलते हैं, रथ के ऊपर सवार होते हैं
और लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर में 8 या 9 दिन तक निवास करते हैं और फिर से गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। तो भगवान क्यों बाहर आते हैं? क्योंकि हम मंदिर नहीं जाते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि मैं यहाँ मंदिर में खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग तो आते हैं परंतु बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं मंदिर से बाहर चले जाऊँगा और सबको दर्शन दूंगा। जो मंदिर में आते हैं उनको तो दर्शन मिलेगा ही, और जो मंदिर में नहीं आते हैं उनको भी मिल जाएगा। तो भगवान की भी इच्छा होती है कि कभी कभी सैर करें। हम भी दिन भर यदि घर के अंदर ही बैठे रहें तो हम मन में विचार करेंगे कि हम भी थोड़ा बहुत सैर करने जाएं, बाहर जाएं। उसी तरह से भगवान जगन्नाथ को भी साल में एक बार मंदिर से बाहर जाने की इच्छा होती है, सैर करने की इच्छा होती है, तो इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे और एक रहस्य भी है। रहस्य ये है कि बहुत साल पहले, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, सूर्य ग्रहण हुआ था उत्तर भारत में। उस समय कुरुक्षेत्र, जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, उस स्थान में सारे भारत से लोग एकत्र हुए थे तरह तरह के धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए उस सूर्य ग्रहण के दिवस पर। तो द्वारका से यदुवंशी सारे के सारे प्राय कुरुक्षेत्र आए थे द्वारका से। अन्य जगहों से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो वृंदावन से व्रजवासी, जो वृंदावन में रहने वाले कृष्ण के भक्त हैं, नंद बाबा कृष्ण के पिता, यशोदा माता कृष्ण की माता, जो ग्वाल बाल मित्र हैं कृष्ण के, गोप हैं, गोपियां हैं, वो सब कुरुक्षेत्र चले आए उस सूर्य ग्रहण के उत्सव के लिए, वहाँ के जो धार्मिक कार्य थे उनके लिए। आप सबको तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में कई वर्षों तक थे। उनका आविर्भाव, उनका जन्म मथुरा में हुआ, परंतु जन्म के तुरंत बाद वसुदेव, जो उनके पिता थे, वो उनको यमुना पार करके गोकुल में लेकर आए, और गोकुल में नंद महाराज के घर में छोड़ गए। वहाँ पर माता यशोदा ने अभी अभी एक लड़की को जन्म दिया था, जो स्वयं योग माया है। तो माता यशोदा नींद की अवस्था में थी, तो बाल कृष्ण को वहाँ रखा, वसुदेव ने उस बच्चे को उठा लिया और चले गए वापस मथुरा, कंस के कारागार में चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण तो माता यशोदा के पुत्र के रूप में माने गए, और भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में, गोकुल में अपने बाल लीलाएं प्रदर्शित की, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं, जैसे माखन चोरी करना और तरह तरह के और शरारत करना, जो कि अन्य किसी भी जगह, अन्य किसी भी विचारधारा में, किसी भी धर्म में नहीं देखा जाता कि भगवान भी ऐसे कार्य करते हैं। साधारणतः भगवान की बात जब करते हैं
तो लोगों के मन में विचार ऐसे आता है कि भगवान वो है जो सर्वशक्तिमान है, सबके कर्मों के फल प्रदान करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का संहार भी करते हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सबसे पुराने व्यक्ति हैं, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, वो समस्त ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं। तो ऐसे विचारधारा अनेकों के मन में होती है और ये सब बिल्कुल सही है। फिर भी ऐसे भगवान का विचार करना कि जो चोरी करते हैं, शरारत करते हैं और नृत्य करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में ऐसे सुंदर सुंदर और मधुर लीलाएं प्रदर्शित करते हैं जो कि भगवान के अन्य कोई भी अवतार में नहीं देखा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लीलाएं प्रदर्शित की। बचपन से लेके जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे, लगभग उनके 2-4 दिन भी नहीं हुए होंगे या एक कई हफ्ते भी नहीं हुए होंगे कि उन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध करना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो पूतना नाम की राक्षसी आई थी, कंस द्वारा भेजी गई थी। तो हालांकि ये राक्षसी थी परंतु इसके अंदर कोई योग शक्तियां थी जिसके द्वारा वो अपने रूप को बदल सकती थी। तो एक बहुत ही सुंदर नव युवती का रूप धारण करके पूतना कृष्ण के जन्म के उत्सव में आई। जब जन्म का उत्सव हुआ उसके थोड़े ही दिन बाद, और वो इतने सुंदर लग रही थी, एक माता का स्वरूप लेकर आई, तो माता यशोदा ने और अन्य गोपियों ने सोचा ये कोई देवी अवश्य होंगी। किसी ने ऐसे संशय नहीं किया कि वास्तव में ये एक राक्षसी है और श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से यहाँ पर आई है। तो सबका विश्वास जीत लिया पूतना ने और सीधे उस कमरे के अंदर चली गई जहाँ की श्री कृष्ण थे। तो पूतना ने अपने स्तनों पे बहुत खतरनाक विष लगाया था और कृष्ण को स्तनपान करा के मार डालने की इच्छा पूतना की थी, परंतु श्री कृष्ण ने स्तनपान तो किया परंतु पूतना के प्राण भी खींच लिए और इस तरह से पूतना का वध कर दिया। परंतु क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हैं, इसलिए भगवान जो कि परम स्तर में स्थित होते हैं, उनके रक्षा करने में और उनके किसी को मार डालने में कोई अंतर नहीं है, ये हमें कोई आश्चर्यजनक बात लग सकती है, परंतु ये सत्य है। जिस तरह से सूरज किसी गंदे स्थान को भी पवित्र करता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जिसका स्पर्श करते हैं, वो यदि पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान के स्पर्श से वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण किसी की हत्या करते हैं तो उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो ये कितने अद्भुत बात है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने एक के बाद एक अनेक असुरों का वध करना शुरू किया जबकि वो बहुत ही छोटे बच्चे थे। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण कोई एक साधारण मनुष्य है। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण कोई असाधारण मनुष्य है। वो मनुष्य है ही नहीं, वो परम सत्य हैं, वो स्वयं भगवान हैं, परंतु मनुष्य समाज में वो प्रकट होते हैं।
अपने मूल आध्यात्मिक सच्चिदानंद देह सहित यहाँ प्रकट होते हैं। कई लोगों की गलत धारणा है कि परम सत्य भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनके कोई गुण नहीं है, परंतु वही निराकार आध्यात्मिक ज्योति जब यहाँ भौतिक जगत में प्रकट होती है, अवतार लेती है, तो उस समय वो एक रूप धारण करती है, जैसे कि भगवान कृष्ण हो या श्री राम हो या नरसिंह देव हो। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि पहले जो परम सत्य होते हैं, जो मैं था, मैं अव्यक्त था, मेरा कोई रूप नहीं था, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं था, परंतु उस अव्यक्त रूप से अब मैं एक व्यक्ति बन गया हूँ, जबकि मैंने यहाँ अवतार लिया है। परंतु ऐसा नहीं है, इनका ज्ञान सही नहीं है, इनकी बुद्धि सही नहीं है। अबुद्धयः परम भावम अजानंतः, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सदैव एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, जैसे वो दिखाई पड़ते थे सबके लिए, वैसे ही वो अपने धाम में वैकुंठ जगत में दिखते हैं। यही रूप है जो भगवान का उनके धाम में है। जो भगवान का मूल रूप है, जो उनके वैकुंठ जगत में है, जो आध्यात्मिक जगत में है, उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान के विभिन्न अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। तो ये सारे के सारे अवतार आध्यात्मिक जगत में स्थित होते हैं और समय समय पर यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने वो प्रसिद्ध श्लोक कहा है, अवश्य आप सबने इस श्लोक को सुना होगा, यहाँ बच्चों ने भी इस श्लोक का पठन किया यहाँ पर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म की ग्लानी होती है, जब अधर्म की वृद्धि होती है, तो उस समय युग युग में मैं प्रकट होता हूँ, हे अर्जुन। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, वो सारे के सारे आध्यात्मिक हैं। वो आध्यात्मिक जगत से प्रकट होके यहाँ भौतिक जगत में आते हैं। अवतरति इति अवतार है, क्योंकि भगवान के धाम से उतर के हमारे भौतिक जगत में, इस सृष्टि में वो पधारते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। तो भगवान के अवतारों को मनुष्य नहीं समझना चाहिए और न ही मनुष्यों को भगवान का अवतार समझना चाहिए। ये भारतवर्ष में दुर्भाग्यवश ये एक गलत धारणा है। अनेक स्थानों में हम ऐसा देखते हैं कि कोई मनुष्य उठ जाता है और वो कहता है कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो थोड़े बहुत चमत्कार कर देता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं ऐसे चमत्कार को देखकर, और फिर उस व्यक्ति को भगवान मानना शुरू करते हैं। परंतु ये सत्य नहीं है। कोई तपस्या करके, कोई चमत्कार प्रदर्शित करके कोई भगवान नहीं बन सकता है। भगवान जो हैं सो हैं। कोई व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता है। जो भगवान नहीं है वो भगवान कभी भी नहीं बन सकता है। तो भगवद गीता के ज्ञान के अनुसार
इस बात की पुष्टि जो है वो स्पष्ट भगवान कृष्ण करते हैं। तो भगवान जब ऐसे अवतार लेते हैं और यहाँ प्रकट होते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने जन्म लिया है, और जब वो अपने लीलाओं को समाप्त करके वापस अपने धाम में जाते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि साधारण व्यक्तियों की तरह उनकी मृत्यु होती है, और अपने जन्म और मृत्यु के बीच में जो उनकी जीवन की अवधि होती है, जिस दौरान वो बहुत सारे कार्यों को प्रकट करते हैं, वो भी साधारण मनुष्यों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, भगवान के कार्यों में और हमारे कार्यों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे कार्य भौतिक होते हैं, भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। हम इस भौतिक सृष्टि के नियमों के, कड़े नियमों के अंतर्गत कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा से कर्म करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म को, उनके तथाकथित मृत्यु को और उनके कार्यकलापों को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, भौतिक या लौकिक नहीं समझना चाहिए, इनको दिव्य जानना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्वतः जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म इस भौतिक जगत में ये दिव्य हैं, ऐसा व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है, वो पुनर्जन्म यहाँ भौतिक जगत में नहीं लेता है, जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि हम इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, जो कि हमारे समस्त प्रकार के दुखों का मूल कारण है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण को जान लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मूल रूप में वृंदावन में प्रकट होते हैं, वृंदावन से फिर वो मथुरा जाते हैं, मथुरा से द्वारका में आते हैं, द्वारका में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, द्वारका के बाहर जाके कुरुक्षेत्र में वो भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं, अन्य स्थानों में भी जाते हैं, और अन्य समय पर भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में भी प्रकट होते हैं। तो इन लीलाओं के बारे में, इन अवतारों के बारे में, उनके उपदेशों को हमें सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इसलिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, हमारे पुराण हैं, अन्य उपनिषद हैं इत्यादि, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो कि एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आते हों। यदि मन माने ढंग से हमने ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया और भगवान को समझने का प्रयास किया, सत्य को जानने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है, और हमारा संबंध सृष्टि से क्या है, सृष्टि का संबंध भगवान से क्या है, और भगवान का संबंध हमसे क्या है। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीव यहाँ पे है इस भौतिक जगत में, वो मेरा अंश है, कण मात्र अंश है, लेकिन मुझे भगवान को भूलकर वो इस प्रकृति के कड़े नियमों में फंस गया है। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ
इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जिनका श्री विग्रह, जिनकी श्री मूर्ति यहाँ पर है मंच के ऊपर, वो बताया करते थे कि ये भौतिक सृष्टि एक कैद खाने के समान है, एक जेल या कारागार के समान है, जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर सुखी नहीं रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे जेल के अंदर रहते हुए कि मैं मुक्त हूँ, मैं सुखी हूँ, तो हमें जानना चाहिए कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि उस व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए तो उसे जेल के बाहर रहना होगा, क्योंकि उसने कोई ऐसे गुनाह किया है, देश के कानून का उल्लंघन किया है, उसने ज़बरदस्ती उसको उस जेल में डाला जाता है जहां उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है और उसको दंड मिलता है उस गलत काम करने के लिए। और साथ साथ में जेल में इसलिए उसे डाला जाता है इस आशा से कि वो सुधर जाए, उसको पछतावा हो जाए कि मैंने जो गुनाह किया है वो गलत है, मुझे और ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे सुधर जाना चाहिए। तो इसलिए हर एक देश में सरकार जेल बनाती है और जो गुनहगार होते हैं उनको जेल में अंदर डाला जाता है। तो हम सब आत्मा हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, और ये भौतिक जगत से हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। हमारा जो संबंध आध्यात्मिक जगत से है, जहाँ पर हर चीज आध्यात्मिक है। जिस प्रकार एक मछली का स्वाभाविक वातावरण और निवास स्थान जल है, उसी तरह से आत्मा का स्वाभाविक निवास स्थान आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है, भगवान श्री कृष्ण का धाम है। परंतु क्योंकि हम उस भौतिक जगत, उस आध्यात्मिक जगत के नियमों का पालन करने की इच्छा नहीं रख रहे थे, भगवान की सेवा करने के बजाय, भगवान का दास बनने के बजाय, हमने स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहा, इसलिए हम यहाँ इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो ये भौतिक जगत जेल के समान होने के कारण यह बारंबार जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सबको दंड मिलता है। और दंड क्या है कि हमें ये भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। ये भौतिक शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि भौतिक जगत के अंदर इस भौतिक देह से हमें नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। क्योंकि भौतिक शरीर है इसलिए जन्म होता है, मृत्यु होती है, बीमारी होती है, बुढ़ापा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि हमें जानना चाहिए कि जब तक हमारे जीवन में जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। तो ये दर्शन करना, ये जान लेना कि जब तक ये चार प्रमुख कष्ट हमारे जीवन में रहेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते, ये ज्ञान का पहला लक्षण है। तो इन चीजों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब तक भौतिक शरीर रहेगा तब तक ये कष्ट रहेगा। हम वास्तव में आत्मा हैं और आत्मा अभी ये भौतिक शरीर के अंदर है, इसलिए आत्मा और शरीर की जोड़ी ये ठीक नहीं है। आत्मा का संबंध इस भौतिक जगत से न होने के कारण जब आत्मा यहाँ भौतिक जगत के अंदर रहता है तो वो सुखी हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर निकाल के जमीन में रखेंगे तो वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो यदि हमें सुख चाहिए तो हमारे स्वाभाविक वातावरण में हमें लौट के जाना चाहिए।
जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर इस भौतिक देह को सदैव के लिए त्याग के उस आध्यात्मिक आकाश में हमें जाना है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, गायों को चराते हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये सारे जीव जो मेरे अंश हैं, जो मेरे बच्चे हैं, कब ये अपने स्वतंत्र भावना को त्याग कर मेरे पास लौट के आएंगे। तो भगवान तो राह देख रहे हैं। तो जब हम ये जानेंगे कि भौतिक जगत में सुख पाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, और सुख यदि पाना है हमें तो केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करके संभव होता है, तब हमारे जीवन की सफलता के मार्ग में हम स्थित हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हे अर्जुन तुम डरो नहीं, समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे शरण को ग्रहण करो, डरो नहीं, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए श्रवणीय है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ तरह तरह के धर्म हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है कि हम उनके शरण को ग्रहण करें। सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी अन्य तरह 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 के छोटे बड़े धर्म हैं, उन सब को त्यागने के लिए आदेश भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। एकमात्र उनके चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करने का आदेश देते हैं, और भगवान का आश्रय स्वीकार करके उनकी भक्ति करने का आदेश देते हैं। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम ए वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे, कि हे अर्जुन मेरा भक्त बनो, हमेशा मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना और सेवा करो। ऐसे यदि करोगे तो निश्चित ही तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे, तुम भौतिक जगत से मुक्त हो जाओगे। तो ये सब ज्ञान समझने के लिए और इसको हमारे जीवन में उतारने के लिए मनुष्य जीवन ही एक बहुत उपयुक्त अवसर है। पशु ऐसे सत्संग में नहीं बैठ सकते हैं, केवल मनुष्य बैठ सकते हैं और ऐसे चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मनुष्य देह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। यदि हमने मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास नहीं किया और इसमें सफल हम नहीं हुए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। दुर्भाग्यवश आधुनिक काल में हम लोग बाहर की दुनिया की चमक धमक से इतने प्रभावित हो गए हैं कि भगवान के भक्ति के रास्ते को स्वीकार करने के लिए न तो हमारे पास कोई रुचि है, न कोई समय है, और रुचि और समय है भी तो हमें कोई सही मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। गलत गलत लोग सिखाने वाले मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि ये भी अवतार हैं, वो भी अवतार हैं, थोड़े चमत्कार दिखाते हैं और अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। तो ऐसे तरह तरह के गलत धारणाओं को फैलाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, परंतु जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं वैसे का वैसे ज्ञान समाज में प्रचारित करने वाले लोगों की बहुत कमी होने के कारण जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते भी हैं वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवद गीता के प्रामाणिक ज्ञान को जैसे है वैसे
प्रस्तुत करने की आवश्यकता बहुत है समाज में। तो ऐसे जब बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि येन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाया जाए सारे समाज में। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा ज्ञान है। अनादि काल से इतने बड़े बड़े बुद्धिमान संत, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने इस रास्ते को स्वीकार किया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं भगवद गीता में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम लोकम आदिदेव मजम विभुम आहुस्तम ऋषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हे भगवान, हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं, आप ही आदि पुरुष हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं कह रहा हूं, ये कितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, नारद ऋषि हैं, देवल, असित, व्यास, ये बड़े बड़े ऋषियों में ने इतिहास में ये घोषणा की है। और स्वयं च एव ब्रवीषि मे, आप भी स्वयं इस बात की घोषणा अब कर रहे हैं कि आप ही परम सत्य हैं, आपसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो किसी एक छोटे धर्म की बात नहीं करते हैं, हम परम सत्य की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विताः। वो कहते हैं, हे अर्जुन, सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, वही हर चीज का पालन करते हैं और उन्हीं में सब कुछ समेट पुनः चले जाता है। तो यह है भगवान की परिभाषा, जो हर चीज के उद्गम हैं, हर चीज के एक ही उद्गम है, दो नहीं हो सकते। तो वो एक उद्गम श्री कृष्ण है, ऐसे भगवद गीता में वो स्वयं घोषणा करते हैं। तो हम जिनसे आए हैं, हमारा मूल स्रोत जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। हम अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण हैं, और अंश और पूर्ण का संबंध एक प्रेम का है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को अपने लीलाओं के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बाल लीला कर रहे थे अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ में, तो मित्रों ने जाके माता यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो जब कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसे सुनेगी तो निश्चित ही वो बहुत चिंतित हो जाएगी। तो माता यशोदा चली गई कृष्ण के पास कि कृष्ण, तुमने क्या मिट्टी खाई है? तो कृष्ण ने कहा, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो माता यशोदा ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मिट्टी नहीं खाई है, तुम मुँह खोल के मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो स्वयं कि तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया, तो उस समय माता यशोदा ने जब मुंह के अंदर देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि उस छोटे से बच्चे के मुंह के अंदर माता यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब कुछ देख लिया।
और माता यशोदा का सर चकरा गया। माता यशोदा सोचने लगी कि अरे क्या मैं सपना देख रही हूँ, क्या किसी ने मेरे ऊपर कोई काला जादू किया है, कोई जादू टोना किया है, या क्या देवगण मेरे ऊपर कोई खेल खेल रहे हैं। तो जब माता यशोदा के मन में ऐसे विचार घूमने लगे तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इस तरह से मेरे माता को भ्रमित करना ठीक नहीं है। तो फिर से उन्होंने अपने योग माया का पर्दा अपने माता के आँखों के ऊपर डाल दिया और पुनः माता यशोदा सोचने लगी, अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं। क्योंकि माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम का रस लेना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण। इस तरह वृंदावन में ऐसे बाल लीला करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया, असुरों का वध करके गोवर्धन पर्वत को धारण करके, परंतु साथ साथ उन्होंने ये भी साबित किया कि उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो क्योंकि वो भगवान हैं, समस्त चीज़ों के स्रोत हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उनके अंश होने के नाते हम उनकी सेवा करें और सेवा करके अपने आप ही हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो अपने आप ही हम इस पात्र हो जाएंगे, इस योग्य हो जाएंगे कि हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में अगले जन्म में पहुंच जाएंगे। तो ये भगवद गीता के उपदेश का सार है। तो किस तरह से सेवा करनी चाहिए? वैसे इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण और सुलभ मार्ग बतलाया गया है भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। कि इस कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ये एकमात्र उपाय है उद्धार के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। इससे अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। और कलि संतरण उपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है।